सब्सक्राइब कीजिए नेक्सस बर्ड्स को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आपको बताना है कंप्लीट बजरीज की ब्रीडिंग किट, मतलब वो कब अंडों से बाहर निकलते हैं, कब वो ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात होगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले आपको लेना है पेयर, और मेल और फीमेल का पेयर होना चाहिए पक्का। और जैसी आप पेयर लेकर आएंगे तो फौरन आपको मटकी नहीं लगानी, मतलब एक दो हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब तक आपको पेयर को देखना होगा कि पेयर मेल फीमेल कंफर्म है और चोंच वगैरह मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे। अगर पेयर आपका चोंच वगैरह मिला रहा है और उसके बाद ही आपको मटकी लगानी है, फिर इंशाल्लाह वो ब्रीडिंग भी जल्दी करेंगे। जैसी वो चोंच मनाने लग जाए पेयर तो आपको मटकी लगानी है, और इंशाल्लाह एक से दो दिन बाद अगर फीमेल अंडों के लिए रेडी है तो वो ज़रूर मटकी के अंदर जाएगी। और वो मटकी के अंदर जाएगी, और फर्स्ट ब्रीड तोते जो हैं ज़्यादातर ख़राब करते हैं। कुछ कुछ तोते होते हैं जो फर्स्ट ब्रीड ज़्यादातर ख़राब करते हैं। अगर बजरीस तो बच्चे निकाल देता है आसानी से। आपको देखना है कि क्रॉसिंग पेयर ने करी है नहीं। अगर जब तक पेयर क्रॉसिंग नहीं करेगा तो फीमेल जब तक अंडे नहीं देगी। अगर क्रॉसिंग हुई है और फीमेल इंशाल्लाह क्रॉसिंग के एक हफ्ते बाद अंडे देती है, क्रॉसिंग के एक हफ्ते बाद वो अंडे देती है फीमेल, और उसके अंदर से बच्चे जब निकलते हैं 30 दिन के बाद, तकरीबन 28 या 30 दिन के बाद उसमें से बच्चा निकल जाता है अंडों के अंदर से। जितने अंडे फीमेल ने दिए होंगे उस हिसाब से उसके अंदर से बच्चे निकलते रहेंगे। जैसे कि एक अंडा दिया फिर एक दिन छोड़ के एक अंडा दिया, तो बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। जैसे आज बच्चा निकला एक दिन छोड़ के, फिर अगले दिन बच्चा निकलेगा। जब और मटकी से बाहर बच्चे कब आते हैं? मटकी से बाहर बच्चे जब आते हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब 25 दिन तक के जो बच्चे हो जाते हैं वो मटकी से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आप ये बच्चा देख सकते हैं, ये मटकी से बाहर आ चुका है। ये तकरीबन 25 दिन का या 30 दिन का ये बच्चा होगा। और आपको फीमेल से ये बच्चा अलग कब करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी बच्चा बाहर निकल जाए और आपको इसको देखना है कि ये खुद से खाना खाने लग जाए, और ये खाना पानी वगैरह जो है ये खाने लग जाएगा खुद से, तो आपको फिर इसको अलग कर देना है। और ये बिल्कुल सही तरह जब उड़ेगा, आप इसको अलग करेंगे तो किस पिंजरे में रखेंगे? जब आप अपने तोते के बच्चे को अलग करेंगे तो आपको गैस थोड़े बड़े पिंजरे में रखना है। और जब आप इसको बड़े पिंजरे में रखेंगे सारे तोतों के साथ, ये सारे ही पट्टे हैं, तो इनमें से किसी का जिसका भी पेयर बनेगा मैं उसको अलग करता रहूँगा और उसको ब्रीडिंग के लिए लगा दूँगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बड़े पिंजरे में रखा था, ये थोड़ा बहुत चोंच मिलाने लग गए थे तो मैंने इनको अलग कर दिया है। इनको मैंने अलग कर दिया लेकिन अभी तक मैंने इनमें मटकी नहीं लगाई। इंशाल्लाह मैं 10 दिन के बाद या थोड़े टाइम बाद इनमें मटकी लगाऊंगा, जब तक ये बिल्कुल सेट पेयर हो जाए और चोंच मिलाने लग जाए सही तरीके से। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी थोड़े छोटे हैं, और कुछ तोते बड़े भी हो चुके हैं, और थोड़े बहुत तोते इसमें चोंच वगैरह मिलाने लग गए हैं, तो मैं इनको अलग कर दूंगा। जब इनका पेयर वगैरह बना के इनको अलग केज में रख दूंगा। तो व्यूअर्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है। अंडे मटकी बच्चे जो है मटकी से बाहर तकरीबन 30 दिन के बाद ही आते हैं, 30 से 25 दिन के बाद। जैसे कि अभी एक बच्चा आ गया है, अब इसके अंदर जो मटकी के अंदर जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, 3 बच्चे और हैं, वो भी ऐसा ऐसा करके बाहर आते रहेंगे। और आप मार्केट जब तोते खरीद के लाते हैं तो उसको आप तकरीबन अलग ही रखें। मैंने आपको बताया कि मटकी आप बिल्कुल नहीं लगाएं और एक ही स्टिक लगाएं, ताकि वो एक ही स्टिक में बैठे रहेंगे तो इनका पेयर जो है वो जल्दी बनेगा। एक ही साथ बैठे रहेंगे तो इनका पेयर अच्छा बनेगा। उसके बाद जब आप देख लें ये चोंच वगैरह मिलाने लग जाए, आप फीडिंग वगैरह करवाने लग जाए, खाना खिलाने लग जाए मेल फीमेल को, तो फिर आप उसके बाद जाके आप मटकी लगा दें। उसके बाद जाके जब ये मटकी में जाएगा, ये फीमेल जो है एक दो दिन तक जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह ये क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग के एक हफ्ते बाद अंडे आएंगे, फिर अंडे फीमेल जब अंडों पे बैठेगी उसके 30 दिन के बाद बच्चे निकलेंगे। 30 दिन के बाद एक बच्चा निकलेगा, जिस हिसाब से अंडे होंगे उस हिसाब से बच्चे निकलते रहेंगे।
और जो है अंडे ख़राब होने की वजह यह है कि पेयर जो है सही तरह क्रॉसिंग नहीं कर पाता, या तो फीमेल अंडों पे सही तरह नहीं बैठती, ये है अंडे ख़राब होने की वजह। और वजह ये भी है कि आप इनको खाने में सही चीज़ें नहीं देते, जैसे कि इनको सॉफ्ट फूड वगैरह देना चाहिए पूरे पूरे, मतलब जितने भी ये जब से पैदा हुए जब से इनको आप बाजरा नहीं दे सकते, ये नहीं कि आप जब रोज़ इनको बाजरा देते रहते हैं और चीज़ें इनको नहीं देते, तो इनको विटामिन दें, मतलब पालक के पत्ते दें, लूसन दें और चने दें, गंदम दें, ये चीज़ें दें आप। सॉफ्ट फूड में इंशाल्लाह बनाने का तरीका आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ, क्योंकि सर्दी आ चुकी है, तो मैं इन बजरीज का और लबर्ड का सॉफ्ट फूड आपको बना के दिखाऊँगा। सॉफ्ट फूड से ये होता है कि आपके जो तोते के बच्चे हैं वो हेल्दी और एक्टिव निकलते हैं और इनमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। सॉफ्ट फूड बहुत हेल्दी होता है, मतलब बहुत ताकत होती है सॉफ्ट फूड में, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिला के दिखाऊँगा जो तोते के बच्चे होंगे वो काफ़ी हेल्दी और एक्टिव निकलेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये जो बच्चे हैं ये सारे ही बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।